हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है स्प्लेंडर प्लेस पे। तो गाइस, हम लोग करेंगे आज किस गाड़ी में है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो गाइस, हम आपको दिखाएंगे कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है BS6 स्प्लेंडर है। ये गाड़ी आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मैंने RPM भी बढ़ा दिया है, लेकिन ये गाड़ी खराब नहीं रही है गाइस, और चेक इंजन लाइट भी नहीं, कोई इशू भी नहीं दे रहा है। तो गाइस, हम इसमें करेंगे आज थ्रॉटल बॉडी का काम और मोटर चेक करेंगे और स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, हम गाड़ी को फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद हम खोलेंगे थ्रॉटल बॉडी चेक करेंगे, क्योंकि गाड़ी का एक्सीलेटर फॉल्स भी बता रहा है और गाड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो गाइस, हम फटाफट खोलवाते हैं। तो पहले पैनल खुल रहा है, उसके बाद टंकी उतारेंगे। तो गाड़ी खुल गई, अब हम लोग निकालेंगे थ्रॉटल बॉडी, क्योंकि इंजन हाई लो हो रहा है, रेस हो रहा है। तो पहले मोटर कनेक्शन निकाल दो, यहाँ पुश करके जब भी निकलेगा पुश करके ऊपर पुश। तो गाइस, लॉक पुश करके ही निकाला जाता है, नहीं तो टूट जाएगा, तो फिर आपको इंजेक्टर कैप चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग थ्रॉटल बॉडी का कैप निकाल लेते हैं, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी निकाल के क्लीन करना है, उसको देखना है कहीं कार्बन तो जम गया नहीं है, मोटर इसका ठीक है तो फिर बार बार बंद क्यों हो जा रहा है। तो हम खोल निकालेंगे थ्रॉटल बॉडी। तो गाइस, थ्रॉटल बॉडी निकल गया, हम थ्रॉटल बॉडी को खोल रहे हैं, इंजेक्टर पहले निकाल लेते हैं बाहर। ये हो गया इंजेक्टर कैप और ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर तो काफ़ी ठीक लग रहा है। तो गाइस, खुल गया है, आप देख सकते हो कि कितना ये थ्रॉटल बॉडी में कचरा है, इसी के कारण बोरिंग निकाला जा रहा है, इसी के कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना कार्बन है इसमें जमा हुआ, देख सकते हो। तो अगर ऐसी आपकी प्रॉब्लम आए, एक्सीलेटर हाई हो जाए, एक्सीलेटर फॉल्स रहते हुए भी, तो टेक्नीशियन के पास ले जाए और बोले कि थ्रॉटल बॉडी चेक कर दीजिए, तो आपका खोल के क्लीन कर देगा और इंजेक्टर ये सब देख लेगा। ताकि देखो गाइस, कितना कार्बन लगा हुआ है, तो पेट्रोल साफ बढ़िया से जाएगा, नहीं तो गाड़ी भी भगभगाएगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होगी। तो हमने सब सेंसर भी खोल दिए हैं, वैल्यू कॉयल है, इसमें ज़्यादा कचरा नहीं है, लेकिन ग्लैमर का होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। हम ग्लैमर का भी एक वीडियो बनाएंगे, भल है कम है, ये कंपनी रोल ओवर सेंसर बोलती है इसको। तो भाई सब देख रहे हो, तो भाई सब देख सकते हो कितना कचरा है इसमें। तो हमने गाड़ी तो हमने पूरा खोल ली, और फटाफट से थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम। तो गाइस, आप देख सकते हो फाइनली ब्रश से और पेट्रोल से क्लीन हो रहा है थ्रॉटल बॉडी। तो गाइस, थ्रॉटल बॉडी तो क्लीन हो गया, देख सकते हो। तो हम इसे फिटिंग करवा देते हैं, फिट हो रहा है फटाफट। ठीक
चलो कसोई से टोटल बॉडी का दूसरा सेंसर कंप्लीट हो रहा है। टोटल बॉडी अब कंप्लीट हो गया, टोटल बॉडी हमने कंप्लीट कर दिया और कस दिया। अब गाइस अब देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके क्या सही हुआ, स्टार्ट में प्रॉब्लम याद नहीं। तो गाइस हमने चाबी डाल दी है, मोटर चल गया है, तो गाइस स्टार्ट हो गई गाड़ी और बंद नहीं हो रहा। अगर कम बेसी करना हो तो यहाँ से दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा साउंड ज़्यादा है। ये मेरा हाथ देख रहे हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा सा कस देंगे तो साउंड कम हो गया। तो गाइस इसी तरह अगर स्प्लेंडर में प्रॉब्लम है तो टोटल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, इंजेक्टर चेक कर रहे हैं, मोटर क्या पेट्रोल सही दे रहा है या नहीं। अगर चलते चलते ओट पे बंद हो जाए तो बिल्कुल एक बार लाकर टोटल बॉडी टेक्नीशियन से क्लीन करवा लें। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी हो गई कंप्लीट, अब गाड़ी बंद भी नहीं हो रही है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिले।